1857 की क्रांति की तैयारियां झांसी में भी शुरू हो गई थीं। झांसी की जनता अपनी रानी लक्ष्मीबाई के साथ हुए अन्याय और अपमानपूर्ण व्यवहार का बदला लेने के लिए बेचैन थी। रानी महल में हर रोज गुप्त सभाएं मंत्रणाएं हो रही थीं। आखिर 4 जून 1857 को झांसी में 12 नंबर देसी पलटन के हवलदार गुरबख्श सिंह ने विद्रोह की तलवार निकाल ली। क्रांतिकारी सेना ने तोपखाने और खजाने पर कब्जा कर लिया। इसके बाद रानी लक्ष्मीबाई हथियारों से लैस होकर निकल पड़ी और उन्होंने क्रांतिकारी सेना का नेतृत्व संभाल लिया। झांसी में चारों ओर विद्रोही सेना फैल गई और अंग्रेजों के हाथ से सत्ता छीन ली गई। 7 जून को क्रांतिकारी सेना ने झांसी के किले पर हमला किया। इस हमले का नेतृत्व कर रहे थे रिसालदार काले खां और तहसीलदार मोहम्मद हुसैन। किले के अंदर मौजूद हिंदुस्तानी सिपाहियों ने भी विद्रोह कर दिया। किले के भीतर और बाहर संघर्ष शुरू हो चुका था। 8 जून को रिसालदार काले खां के हुक्म से किले के अंदर मौजूद 67 अंग्रेज पुरुष स्त्रियों और बच्चों को मौत के घाट उतार दिया गया। अंग्रेज इतिहासकार स्वयं मानते हैं कि इस हत्याकांड में रानी लक्ष्मीबाई का कोई हाथ नहीं था और न ही उन्होंने इसकी इजाजत दी थी। 8 जून 1857 को झांसी कंपनी सरकार के चंगुल से मुक्त हो गई। गद्दी का उत्तराधिकारी दामोदर राव चूंकि बालिग नहीं था, इसलिए रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी का शासन संभाला। झांसी में जगह जगह घोषणा की गई, खलक खुदा का, मुल्क बादशाह का, हुक्म रानी लक्ष्मीबाई का। रानी लक्ष्मीबाई ने बड़ी सूझबूझ और समझदारी से शासन संभाला। वो दरबार में एक विशेष कक्ष में बैठती थीं। उस कक्ष के बाहर सोने के काम की चिके पड़ी रहती थीं। द्वार के बाहर 2 द्वारपाल चुस्त पोशाकों में खड़े रहते। दीवान लक्ष्मण राव राज्य के आवश्यक कागज पेश करते और रानी उस पर अपना निर्णय सुनाती। रानी लक्ष्मीबाई की पोशाक भी पुरुषों जैसी हो गई थी। वो पाजामा और गहरे नीले रंग का कोट पहनती थी। टोपी पर एक सुंदर पगड़ी बंधी रहती थी। कमर में जरी के काम का दुपट्टा बंधा होता और उसमें एक तलवार लटकती रहती। उसके साथ ही दमिश्क की बनी नक्काशीदार चांदी मढ़ी पिस्तौल भी लटकती रहती थी। झांसी के किले पर अब स्वाधीनता का हरा झंडा लहराने लगा था। रानी लक्ष्मीबाई ये भी जानती थी कि उन्हें झांसी की आजादी की रक्षा के लिए हर वक्त तैयार रहना चाहिए। वो सेना तैयार करने लगी, लोगों को युद्ध का प्रशिक्षण दिया जाने लगा। पुरुषों के साथ साथ कई स्त्रियां भी युद्ध कला और शस्त्र संचालन की कला सीखने लगी। इनमें रानी की 2 सहेलियां सुंदर और मुंदर भी थीं। रानी ने क्रांतिकारी सिपाहियों के नेताओं से भी संपर्क बनाए रखा और उनकी खबरें प्राप्त करती रही। उधर अवध में भी क्रांति की पूरी तैयारियां थीं। इतिहासकार लिखते हैं कि क्रांति की तैयारियां जितनी अच्छी अवध में थीं, उतनी देश में कहीं नहीं थीं। हजारों मौलवी और हजारों पंडित स्वाधीनता के युद्ध के प्रचार में लगे हुए थे।
वो एक एक बैरक में जाकर सिपाहियों से बातचीत करते। हर गांव गली मोहल्ले में जाकर पंडित जी और मौलवी साहब आजादी की लड़ाई के लिए जनता को तैयार कर रहे थे। लखनऊ में 13 मई को मेरठ की क्रांति की और 14 मई को दिल्ली की क्रांति की खबरें आईं। सर हेनरी लॉरेंस लखनऊ में पूरे अवध का कमिश्नर था। उसने क्रांति की खबरें मिलते ही मुकाबले की तैयारी शुरू कर दी। लखनऊ में रहने वाले अंग्रेज परिवारों की सुरक्षा के लिए उसने लखनऊ के पास मच्छ भवन में और रेजिडेंसी में किलेबंदी शुरू कर दी, ताकि जरूरत पड़ने पर सभी अंग्रेज और उनके परिवार वहां शरण ले सकें। अंग्रेज महिलाओं और बच्चों को तो वहां पहले ही पहुंचा दिया गया था। 30 मई 1857 की रात ठीक 9 बजे तोप छूटी। क्रांति आरंभ होने का यही संकेत था। 71 नंबर की पलटन सबसे पहले बंदूकें लेकर निकल आई। उसने अंग्रेजों के बंगले जलाए और जो भी अंग्रेज मिले उन्हें मार दिया गया।